गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथ्स सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड 2। तो अब हमने मैथ्स में तो हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो पूरी कंप्लीट कर दी। उसके बाद हमने 1 to 20 के टेबल्स भी सीख लिए। 2 times या 5 times हमारे अपने स्कूल की नोटबुक में हमने लिख लिए। एग्ज़ाम में भी मैंने आपको कुछ लिए हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि 1 to 20 के जो टेबल है वो अब आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, वो आ सकते हैं। तो आपको घर पे अपनी तरीके से अब उसकी प्रैक्टिस चालू रखनी है। हो सके तो रोज़ एक बार तो कम से कम 1 to 10, उसके बाद दूसरे दिन 11 to 20, ऐसे एक एक करके दोनों एक के बाद एक सारे टेबल्स आपको लिखते रहने हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और आज आपको ना आज से हम क्या करेंगे कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें हम रिवर्स यानी उल्टे सब्जेक्ट या मतलब उल्टे जो चैप्टर्स हमारे हैं वो हम फिर से रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। तो जो हाउ मैनी पोनीटेल्स करके जो है उसमें तो आपको सिर्फ समझने के लिए है, इसलिए हम इसमें से एग्ज़ाम में से कुछ आए ऐसा है नहीं। तो हम आज डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 14 से, जो हमारा रिवीजन वीडियो आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने अब तक नहीं किया है या अगर आपका कुछ छूट गया है तो आप आज से जो भी वीडियो बनेंगे वो आपके रिवर्स वीडियो होंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप ये वीडियो देखकर अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर सकते हो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 14, बर्ड्स कम बर्ड्स गो। बर्ड्स कम बर्ड्स गो मतलब क्या कि बर्ड्स मतलब जो पक्षी है वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। कम यानी आना और गो मतलब कि जाना। चलो देख लेते हैं। There are 25 birds here। जो यहाँ पर एक लड़का है वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर 25 birds हैं। Look up, some new birds are coming। देखो ऊपर देखो, ऊपर देखो और कुछ नए birds भी यहाँ पर आ रहे हैं। Let us count them using our card। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 10 कार्ड फॉर दिस होल ग्रुप, यानी 10 रुपीज़ 10 का जो एक येलो कार्ड है वो ये ग्रुप के लिए, क्योंकि ये ग्रुप कितने बर्ड्स का है, 10 बर्ड्स का। उसके बाद एंड 6 1 कार्ड फॉर दिस ग्रुप, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कार्ड्स हमारे लिए कोई नए कार्ड्स नहीं है। आगे जो हमने वो किंग और जो वो रेड पकड़ने वाला जो था, पता है ना, उसने भी ऐसा किया था कि जब 1 1 के 10 कार्ड हो जाते थे तो वो येलो कर देता था। तो यहाँ पर उन्होंने 6 है तो ऐसे ब्लू कलर के 6 कार्ड लिए हैं, ठीक है। सो दिस कार्ड्स शोज 16 बर्ड्स। अब ये अगर हम कार्ड देखें तो उससे हमें पता चलता है कि ये कितने बर्ड्स है, 16। 10 यानी कि 1 ऐसे ब्लू कलर ट्रायंगल शेप के जो 1 नंबर वाले कार्ड है अगर वो 10 हो जाते हैं तो येलो कार्ड ले लेना है। तो 10 येलो 10 का 1 कार्ड यानी कि 10 हो गए। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हो गए 16। बट वेयर डिड दे ऑल कम फ्रॉम। तो उन लोगों को सवाल हो रहा है कि ये सब कहाँ से आ रहे हैं। पेज नंबर 133, आगे हम पेज नंबर जो स्टार्ट किया है 1111, उसकी डेट है 18 अप्रैल, ओके। सून 25 मोर बर्ड्स फ्लू इन, लेट अस एड टू सी हाउ मैनी बर्ड्स इन ऑल देर आर नाउ। बहुत ही जल्द 25 और बर्ड्स आ गए उसमें। तो बोल रहे हैं कि अब हमें ऐड करके देखना पड़ेगा कि टोटल कितने बर्ड्स हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि 16 plus 25, वी राइट मतलब 10 का और 1 के अलग अलग कर दिया है। 16 plus 25, तो 10 का 1 कार्ड है और ब्लू के 6 कार्ड है, 10 के 2 कार्ड है, क्यों, क्योंकि 20 है इसीलिए, और उसके बाद 5 ब्लू कार्ड है। अभी इसमें हमें कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उन्होंने उसको काउंट किए, पहले जो इतने भी ब्लू थे, ठीक है, जैसे 6 plus 5 किया है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 का 1 यहाँ पे है और दूसरा जो 1 होता है 10th साइड का वो ऊपर रखा है। पुटिंग ऑल द वंस टुगेदर वी गेट 11 ऑफ दूस 10 वंस मेक अ 10 एंड वी आर लेफ्ट विथ 1।
जैसा मैंने आपको कहा था कि 11 लिखते हैं तब जो ये 1 है वो लेफ्ट साइड का वो टेंस होता है और जो राइट साइड का होता है वो वंस होता है। अभी यहाँ पर बाद में उन्होंने उसका काउंट किया है, जैसे 1, 2, 3, 4, तो 4 आया, तो आंसर 41 है। नाउ पुटिंग टुगेदर ऑल द टेंस वी गेट 4 टेंस, तो 4 टेंस हो गए, सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड इज़ 41। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ये जो 3 पेज है 111, 112 एंड 113 वो आपको अच्छे से वीडियो देखकर टेक्स्ट बुक में से समझना है। ओके, आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।